What is a right angle gearbox? Right angle gearbox क्या है? How it work? और ये किस तरह से काम करता है? Hello friends, मैं हूँ दिलकबर और आप देख रहे हैं How to Engineers. आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको gearbox के बारे में बताऊँगा. ये right angle gearbox है. मेरे पास जो gearbox है वो इटली का बना हुआ है. ठीक है? इसकी जो फिटिंग है, इसको जो हम फिटिंग कर सकते हैं, वो तीन तरह से कर सकते हैं. ठीक है? दोनों साइडों से और जो इसको दरमियान से भी इसकी फिटिंग कर सकते हैं. राइट एंगल गियरबॉक्स को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसका जो है सबसे मेन जो है वो काम करने का मकसद ये है, इसको इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि इसको हम एंगल में इस्तेमाल करते हैं. ठीक है? अगर हमें 90 के एंगल पर ड्राइव चाहिए हो तो हम इसको जो है वो इस गियर को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब हम इस शॉफ्ट को घुमाएंगे तो दूसरी शॉफ्ट जो है वो घूमेंगी. ठीक है? इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं. तो अभी मैं आपको जो गियर दिखाऊंगा वो हमने खुद बनाया है. बिल्कुल 90 के एंगल पर ही ये काम कर रहा है और ये राइट एंगल गियर ही है. ठीक है? लेकिन ये ओपन हालत में है. ठीक है? जब हम इसको, जो दूसरा हमने मैंने आपको पहले दिखाया था, वो गियर भी यही काम करता है जो ये वाला कर रहा है, लेकिन इसको हमने खुद बनाया है, खुद डिज़ाइन किया है अपने मकसद के लिए, अपने पर्पज़ के लिए. क्योंकि हमें वो वाला जो गियर था वो इस जगह पर इस्तेमाल नहीं होना था. क्यों नहीं होना था वो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा. ठीक है फ्रेंड? तो इसमें क्या है, इसमें दो शॉफर्स हैं जो है वो, एक राइट, एक जो है वो वर्टिकल है, दूसरी हॉरिजॉन्टल है. ठीक है? तो जो ऊपर वाली जो शॉफर्ट है, जब हम उसको घुमाएंगे तो ये जो स्ट्रेट शॉफर्ट है ये भी घूमेगी साथ, और इसके साथ जो हमने वो गेट लगाया है वो भी अप डाउन होगा. ये बेसिकली है क्या, ये एक फर्नेस है, उसका ये एक शटर है, गेट है, जिसको हमने कोयले को कंट्रोल करने के लिए, कोयला इसमें इस्तेमाल होगा, कोयले की मकदार को कम या ज़्यादा करने के लिए हमने शटर लगाया है. जैसे जैसे हम इसको, इस शॉफर्ट को घुमाएंगे तो ये जो शटर है ये अप होता जाएगा. ठीक है? और जितना हम इसको घुमाएंगे, जितना इसको घुमाएंगे उतना ही शटर जो है वो ऊपर की तरफ जाता जाएगा. ठीक है? और जब हम इसको दूसरी तरफ घुमाएंगे तो शटर जो है वो नीचे आ जाएगा. ये जो है, ये इसके अंदर जो है वो थ्रेड्स हैं. ठीक है? और ये बोल्ट है जिसके ऊपर थ्रेड बनाई गई हैं. ठीक है? ताकि जिस जगह पर हम इसको छोड़ देते हैं थ्रेड की वजह से, वो वहीं पर ठहर जाता है. ठीक है? तो जो शटर है वो मजीद जो है वो नीचे नहीं जाता. क्यों नहीं जाता? क्योंकि थ्रेड्स हैं. ठीक है? नट और बोल्ट वाला जो प्रिंसिपल है वो लगता है, और ये जो है शटर वो नीचे नहीं जाता. जितना हम इसको घुमाएंगे शटर उतना ही ऊपर जाएगा. ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ. अभी आप देख रहे होंगे इसमें कितना गैप आ गया है. ठीक है? जब हम इसको दूसरी तरफ घुमाएंगे तो ये गैप जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको, जो लीवर था उसको हमने उल्टा जब घुमाएंगे तो ये जो शॉफ्ट होगी वो भी उल्टा घूमेंगी, और ये जो शटर था वो नीचे आ जाएगा. और अभी जो शटर है वो काफ़ी नीचे आ गया है. ठीक है? तो अभी ये जो प्रोजेक्ट है वो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ. अभी मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह से काम करता है. वो वाला हमने जो गियरबॉक्स है वो इस जगह पर क्यों इस्तेमाल नहीं किया, वो इसलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ये एक फर्नेस है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होगा. ठीक है? तकरीबन जो है इसके 200 सेंटीग्रेड से इसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा. ठीक है? इसलिए जो है वो जो गियरबॉक्स था वो ख़राब हो जाएगा. इसलिए हमने क्या किया, हमने ख़ुद से गियरबॉक्स बना के वो इस्तेमाल किया है इस जगह पर, क्योंकि ये जो है ये हीट से ख़राब नहीं होगा. गियरबॉक्स को, एंगल गियरबॉक्स को हम मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. हमने इसको जस्ट शटर को अप डाउन के लिए इस्तेमाल किया है, जबकि इसको जो है हम, जो गियरबॉक्स मैंने आपको पहले दिखाया था उसको हम जो है वो उसके साथ मोटर लगा के और दूसरी तरफ जो है हम ड्राइव ले सकते हैं. दूसरी तरफ हम कोई भी चीज़ चला सकते हैं, कोई शॉफर चला सकते हैं, या हमने कोई एनीथिंग जो है वो, आपने कोई भी चीज़ जो चलानी है वो आप उससे चला सकते हैं. ठीक है? तो ये इसका जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, जो एंगल में हम जो है चीज़ जो है उसको हम ड्राइव दे सकते हैं.
तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल हाउ टू इंजीनियर्स को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।